गुरुवार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार की व्रत की कथा करती थी। बृहस्पति महाराज आते, चार लड्डू चांदी का कटोरा लेके चले जाते। बहन लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में भर धर देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोल के देखा, कोठरी में जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कहा, मेरी नाना चांदी का कटोरा कहाँ से लाई, कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली, अपने आदमी से पूछना। भाभी बोली, मेरा आदमी तो मेरी बात ही नहीं सुनता। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल देना। दूसरे दिन भाभी ने दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। लड़की का भाई बोला, तू पागल हो गई है। भाभी बोली, पागल मैं नहीं हो रही, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से चांदी के कटोरे ला ला कर कोठरी भर रखी है। पूरी कोठरी जगमग कर रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई जाकर अपनी बहन से बोला, जीजी मामा के घर चले। बहन जानती थी कैसे मामा के घर ले जा रहा है। बहन बोली, भाई जहाँ केले का पेड़ हो और पास में मंदिर हो वहीं उतार देना। भाई ने भी हाँ कर दी। आगे जंगल में एक मंदिर और केले के पेड़ के पास उसे उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा की, बृहस्पति की कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, चांदी के कटोरे में चार लड्डू देकर जाने लगे। भाई छिपकर देख रहा था, उसने दौड़कर बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, ये तो सत का व्रत करती है। चांदी का कटोरा मैं देकर जाता हूँ, तू इसे कलंक लगा रहा है। भाई बहन को लेकर वापस घर आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी, बोली, इसको फिर लेकर आ गए। भाई बोला, इसे कुछ मत कहना, ये बृहस्पति के व्रत करती है, वो ही इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। भाभी ने सोचा, मैं भी देखूंगी ये कैसे बृहस्पति के व्रत करती है और वे इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। वो जाकर सारे पड़ोस में सबको बोल आई, सब अपने अपने बच्चे लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करती है, सबको चार चार लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन ये सुनी तो वो एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, आज मेरी लाज रखना। तीन बार ऐसा कहा। बृहस्पति महाराज आए, सबको चार चार लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी, सबकी रखना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय।